जोधपुर राजस्थान में संत श्री आशाराम जी बापू के 85वें अवतरण दिवस के उपलक्ष में बापूजी के अनुयायी कोरोना संक्रमण के विपदायुक्त माहौल में युद्ध स्तर से सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। जो संत आसाराम जी के आश्रम से वहाँ से आए हो, आप लोगों की सेवा अच्छी है। आप लोग ये दवाइयाँ वगैरह हम लोगों को दे रहे हो, वो अच्छी चीज़ है। आपकी सेवा से भी हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, अच्छा लगा। मुख्य रूप से इन औषधियों में संशमनी वटी, निरापद वटी, आंवला सुधा है। ये कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए अत्यंत कारगर सिद्ध हो रही हैं। निरापद वटी, निरापद का मतलब ही है सुरक्षित। ज्वर, कफ व विषाणुनाशक तुलसी, बलदायी तुलसी बीज, त्रिदोष शामक गिलोय तथा विटामिन सी के समृद्ध स्रोत आंवला के संयोग से बनी ये वटी सभी प्रकार के बुखार, ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने हेतु तथा रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए उत्तम औषधि सिद्ध हो रही है। इस वटी को जोधपुर में बापूजी के साधकों द्वारा सभी तक निःशुल्क पहुंचाया जा रहा है। इसमें बहुत आंवला, तुलसी और गिलोय है, ठीक है। तो बच्चों को एक एक गोली खिलाना, कभी आगे तकलीफ नहीं होगी, 4-5 दिन खिलाना खाली। ये शरबत है, गर्मी के लिए विशेष औषधि बनाई है। एक गिलास में 4 ढक्कन डाल के पीना है। एक एक गोली लेनी, बुखार भी जो है तो 2-2 गोली सुबह शाम लेनी। हरे राम काका, अयो यो जी राम, हरे राम। ये मो रोटी का ये मो मरा के मत कर देना यो पस में तो भगत ठाकुर साम्राज्य में था जी ने रोटी गरम गरम रही। ये भारत हमारा जो कोरोना के दवा और सबको दिया, क्योंकि हम गुरु आश्रम का बहुत आभार मानते हैं और बहुत ये सेवा करते हैं और हर 10 दिन 15 दिन महीने के बाद में आते हैं ये और बहुत सेवा करते हैं ये लोग। शरण में तेरी मोक्ष धरा है, 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 चरणों में है स्वर्ग। बापूजी के सिख से आए थे हमारे पास और हमें कोरोना की टेबलेट दे के गए हैं। पहले भी आते हैं, हमारी सेवा करते हैं और हमें कुछ खाने पीने के देते हैं। अभी भी दे के गए, पूरी बस्ती में हमारी हेल्प करते हैं और पूरा लॉकडाउन में 2 सालों से आ रहे हैं। आते रहते हैं। क्या क्या देते हैं? सब्जी वगैरह देते हैं, दवाई वगैरह देते हैं, बर्तन देते हैं। तू अंतर्यामी सब परिवार का भी से हम धन्यवाद देते हैं आपको। और ऐसे भी आते रहते हैं इधर, हमारे बर्तन भी देते हैं और दवाई भी दे के जाते हैं। पूरे गांव में ये दिए हैं और भगवान उनकी सहायता करे, पूरे गांव में देते हैं, घर घर जाके देते हैं हर चीज, सब चीज बाजी सब्जी वगैरह दे। गोबर के कंडे वो देखो धुआं कर रहे हैं, उसमें अपना तेल का थोड़ा 2 बूंद गिरा दिया या घी है तो घी गिरा दिया, पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है। गर्म रोटी खाकर और हॉट केस है। संत शमनी वटी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में अत्यंत लाभकारी है। इस वटी के निर्माण में गिलोय की छाल का उपयोग किया गया है। गिलोय एक बहुत ही उत्कृष्ट ज्वरनाशक त्रिदोष शामक रसायन है। अपनी परवाह किए बिना समाज के हर एक वर्ग तक ये औषधियाँ पहुँचाने के लिए बापूजी के अनुयायी दिन रात जुटे हुए हैं। 5 दिन लेने से कभी कोई बीमारी आसपास पटकेगी नहीं, ठीक है।
तुलसी आंवला और गिलोय की है, दो दो गोली सुबह शाम सबको देना। ऐसा कंडे का धूप करना, उससे भी वातावरण फायदा होगा। बाबूजी की सेवा का है, हमें कोरोना की दवा दे के गए, सब्जी दिया, फल दिया, कितना उसने सेवा का काम किया। अपने हमें घर बैठे हर चीज़ मुहैया की, दवाई, गोलियाँ, सब्जी, शरबत। वहाँ जेल में बैठे हुए हमारी सहायता कर रहे हैं, इसलिए आसाराम जी को धन्यवाद। आपको एकदम ताकत आ जाएगी, भूख बढ़ेगा इससे, ठीक है। कोरोना काल में ऐसी सेवा कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको पहले धन्यवाद। अपनी जीवन शैली और कोरोना को मात दे सके आम पब्लिक, और ये आप सेवा कर रहे हो, ये बापू की आशीर्वाद से बहुत बड़ी सेवा है। प्रत्येक व्यक्ति को ये ग्रहण करना चाहिए ताकि अपनी इम्यूनिटी वगैरह बरकरार रहे, ये अनुभव आगे लोगों तक पहुँचा रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद इनके बंदों को, परमात्मा इनको सुख शांति दे। बहुत अच्छी दवाई है, ये लेने से हम लोग सब तैयार हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सब्जी मंडी के अंदर काफ़ी लोगों को इन्होंने सेवा की है, आंवला जूस, चुकंदर जूस बटी दी है। हम सबका मंगल करने को खुद जगदीश्वर ही आए हैं। दस गुना भी देते हैं, तुम दिया दो कटोरी दी, और मेरे को ओढ़ने का वो दिया चादरा। कभी 100 दे के जाते थे, कभी 40 दे के, भाई राम दे के जाता था। ऐसी सेवा करी हमारी। पहले कोई कुछ कोई नहीं आया था इधर, अभी आप आसाराम बाबू की तरफ से देते हैं। सुबह कमरा बंद करके गौचंदन, धूप बत्ती या गोबर के कंडे पर घी अथवा कच्ची घानी से निकाला हुआ खाद्य तेल डालकर प्राणायाम करें। इसकी पूरी जानकारी बापूजी के साधकों द्वारा समाज तक पहुंचाई जा रही है और लोगों को लाभान्वित व स्वस्थ किया जा रहा है। गूगल विषाणुनाशक है, इससे वायुमंडल की शुद्धि होती है। इसका उपयोग करके धूप जलाने से वातावरण में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की मात्रा में प्रचंड वृद्धि होती है और रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। इस आपत्तिकाल के दौरान बापूजी के साधकों द्वारा ये उम्दा सेवा कार्य पूरे भारत में विस्तार से किए जा रहे हैं। अपने गुरु, गुरु का, अपने गुरु का सम्मान करें, नाचे गाए जय गान करें।